Assalamu alaikum, second year biology students. I welcome you to the lecture number 7 of our chapter 16. And our today's topics are the joints and deformities in our skeleton. After learning about human skeleton, let's now talk about joints. Joints are the spots or places in our body where different bones are joined together or are connected to each other. ये जो कनेक्शन होता है बोन्स का एक दूसरे के साथ, उससे ना सिर्फ हमारा जो पूरा स्केलेटन है उसको एक कंप्लीट जॉइंट फॉर्म मिलती है, बल्कि आल्सो ये जॉइंट्स ही वो पार्ट्स हैं जो कि स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स में मूवमेंट्स अलाउ करते हैं या मूवमेंट के लिए उनको हेल्प करते हैं बोन्स को. अगर जॉइंट्स की टाइप्स की बात की जाए तो हम उसको दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. एक बेसिस है मूवमेंट पे, ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी कि किस तरह की मूवमेंट या कितनी मूवमेंट जॉइंट शो करते हैं, इस बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया जाता है. और दूसरा इसको स्ट्रक्चर की बेसिस पे भी किया जाता है. तो अगर हम मूवमेंट की बात करें तो हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल. इमूवेबल मतलब ये वो जॉइंट्स हैं जहाँ पर जो दो बोन्स आपस में जुड़ रही हैं उनमें कोई मूवमेंट नहीं शो होती, जैसे कि हमें अपने स्कल के अंदर नज़र आती हैं बोन्स. स्लाइटली मूवेबल जिनके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सच एज द बोन्स इन आर वर्टिब्रल कॉलम और आर वर्टिब्री. एंड द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर दोज विच शो मूवमेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस और हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू शो वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स. इनके अंदर आगे मजीद दो टाइप्स हैं, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिनका तस्करा हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था. आगे हम बात करते हैं सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, विच इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर जॉइंट्स को हम डिवाइड करें तो हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड सिनोवियल जॉइंट्स. फाइब्रस जॉइंट्स आर दोज एज द नेम इज इंडिकेटिंग विच विल बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फाइबर्स. और ये फाइबर्स कौन से होते हैं? कोलेजिन फाइबर्स. शॉर्ट कोलेजिन फाइबर्स जो होते हैं वो हमारी जो दो डिफरेंट बोन्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और ये हमें नज़र आते हैं स्कल एंड टीथ में. कार्टिलेजिनस स्केलेटन जो जॉइंट्स होंगे इनके अंदर नाम से पता चल रहा है कि कार्टिलेज प्रेजेंट होगा. ये कार्टिलेज हायलिन कार्टिलेज भी हो सकता है और फाइब्रस कार्टिलेज भी हो सकता है, जिनकी सारी डिटेल्स हम पिछले लेक्चर में देख आए हैं. दीज जॉइंट्स शो वेरी लिटिल मूवमेंट, यानी कि या तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं शो करते या बिल्कुल थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करते हैं ये, और ये हमें नज़र आते हैं हमारे वर्टिब्री में. और वर्टिब्री में भी स्पेसिफिकली जहाँ पे हमारी कोक्सल बोन्स होती हैं, ये जो लास्ट वाले वर्टिब्री की बोन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं और स्पेसिफिकली फाइब्रस कार्टिलेज के साथ जुड़ी हुई होती हैं. थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट्स इज सिनोवियल जॉइंट्स. इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स the bones that are joined together contain a fluid-filled cavity between them. इनके दरमियान में जो fluid-filled cavity होती है वो एक cushion का काम करती है जो कि इन joints के अंदर movements को भी allow करती है और उनको friction से भी बचाती है. इस cavity के दो main parts होते हैं, जो outer layer होती है surrounding the cavity उसको fibrous capsule कहते हैं या वो fibrous layer होती है, और inner layer जो है वो synovial membrane कहलाई जाती है. इस पिक्चर में आपको एक सिनोवियल जॉइंट नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास दो बोन्स हैं, ये वाली और ये वाली, और इनके दरमियान में फ्लूइड फिल्ड ये कैविटी है, दिस वन. ये पूरी जो है ये सिनोवियल कैविटी है. इसके अंदर जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस लेयर है और जो इनर लेयर है उसके अंदर सिनोवियल लेयर है, ये आपको मार्क हुई भी नज़र आ रही है. और सेंटर में जो कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होगा, जिसकी वजह से जब ये बोन्स मूव करेंगी तो उनको वो फ्रिक्शन फेस नहीं करनी पड़ेगी इस फ्लूइड की वजह से. सिनोवियल जॉइंट्स का हमें पता चल गया. अगर इन्हीं सिनोवियल जॉइंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट हम कैटेगराइज कर लें तो हमारे पास इसकी दो तीन टाइप्स बनती हैं. उसमें फर्स्ट वन हमारे पास है हिंज जॉइंट्स, यानी कि ये वो जॉइंट्स हैं जो सिर्फ दो डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करते हैं. सो इनका फर्स्ट कैरेक्टर हमें पहले से पता है कि टू डायरेक्शंस में या तो वो अप एंड डाउन हो सकती है या वो बैक एंड फोर्थ हो सकती है. ये दो डायरेक्शंस हो सकती हैं जिनमें ये मूवमेंट शो करते हैं. ये हमें प्रेजेंट कहाँ पर नज़र आते हैं? हमारे एल्बो में और नी जॉइंट में. हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको देख लिया था. सो सेकेंड कैरेक्टर हम इसको ये मार्क कर लेते हैं. नेक्स्ट, इन जॉइंट्स के पास जो मसल्स होते हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन या एक ही प्लेन में जॉइंट होते हैं. ये थर्ड कैरेक्टर है. इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेट्स से कि ये एक बोन है और दूसरी बोन यहाँ पे प्रेजेंट है. इन दोनों को जॉइन करते हुए यहाँ पे जितने भी मसल्स प्रेजेंट है वो सिर्फ एक ही प्लेन में होते हैं. सो वो इस डायरेक्शन में होंगे, और इस डायरेक्शन में होने का मतलब ये है कि वो उनको सिर्फ
या तो अप मूवमेंट शो करने की पॉसिबिलिटी होगी या डाउन पॉसिबिलिटी होगी, और इसी तरह से बैक या फोर्थ हो सकती है. ये मसल्स जो हैं उनका एक एंड जो है वो फिक्स्ड होता है इमूवेबल बोन के साथ, जिसको ओरिजिन कहा जाता है, ओरिजिन कहते हैं. और जो दूसरा एंड होता है जिसको इंसर्शन कहा जाता है, वो जॉइंट का दूसरा एंड होता है. सो लेट्स से अगर ये वो बोन है जो कि इमूवेबल है, जिसने मूव नहीं करना इस जॉइंट के अंदर, इस बोन ने, तो इन मसल्स का यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसको हम ओरिजिन कहेंगे. और जो मूवेबल साइड पर जो इनका एंड होगा उसको हम इंसर्शन कहेंगे. सो ये हमारे पास दो मसल्स की अलाइनमेंट का भी हमें पता चल गया, और मसल्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं उनका भी हमें पता चल गया. सेकेंड टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. ये वो जॉइंट्स हैं जो मूवमेंट को डिफरेंट डायरेक्शंस या ऑल काइंड्स ऑफ डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ करते हैं, सेवरल डायरेक्शंस में. इनके अंदर हमने ऊपर कहा था कि मसल्स जो हैं वो सिर्फ एक प्लेन में प्रेजेंट हैं, तो इस केस में मसल्स के दो पेयर्स होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं. सो सेकंड हमारे पास डिफरेंस उसके साथ क्या आ गया हिंज जॉइंट से, कि इसके अंदर जो दो बोन्स हैं उनके अंदर मसल्स दो पेयर्स में होते हैं और वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. सो लेट्स से दिस इज़ अ बोन एंड दिस इज़ एन अदर बोन. इनके यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट होंगे वो ना सिर्फ इस प्लेन में होंगे बल्कि वो इस फॉर्म में भी होंगे. सो ये दोनों फॉर्म्स में यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होंगे, और ये मसल्स जो हैं इन बोन्स को ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करेंगे, जिसकी वजह से और इन मसल्स की वजह से इनको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी और मूवमेंट जो है वो ईजी हो जाएगी. और थर्ड हम लोगों ने देख लिया कि ये हमें मिलते कहाँ पर हैं. हमने लास्ट लेक्चर में वंस अगेन मेंशन किया था कि ये हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट में, यानी हमारे पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल में ये वाले जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. इस एनिमेशन में आपको नज़र आ रहा है एक हिंज जॉइंट. ये हमारे पास एक हिंज जॉइंट है, और इसके अंदर यू कैन लोकेट द मसल्स प्रेजेंट जो कि दो बोन्स को आपस में जॉइन कर रहे हैं. ये हमारा एल्बो का जॉइंट है. इसके अंदर ओरिजिन वो वाला पार्ट है मसल्स का जो फिक्स्ड बोन के साथ अटैच्ड है, और इंसर्शन वो पार्ट है हमारे मसल्स का जो कि मूवेबल बोन के साथ अटैच्ड होता है. इसी तरह से अगर हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एक एग्जाम्पल देख लें, तो वो हमारे पास यहाँ पर है. हमारा शोल्डर जॉइंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है. बॉल एंड सॉकेट का मतलब ये है कि इट सीम्स लाइक कि एक छोटी सी बॉल जो है वो किसी सॉकेट के अंदर फिक्स हुई हुई है और उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है. जैसे यहाँ पर आपको एनिमेशन में नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ सॉकेट एंड दिस इज़ द बॉल विच कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस. अब हम बात कर लेते हैं अबाउट सम डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन. डिफॉर्मिटीज़ का मतलब है हमारे स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स की शेप्स का चेंज हो जाना या उसके स्ट्रक्चर का चेंज हो जाना, डिफॉर्म हो जाना, ख़राब हो जाना. और इसके पीछे डिफरेंट रीजंस होती हैं, डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं और उनके डिफरेंट क्योर्स होते हैं. हम उन कॉजेज को वन बाय वन देख लेते हैं कि हमारे स्केलेटन को अफेक्ट करने वाली कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिससे हमारा स्केलेटन डिफॉर्म हो सकता है. उसमें सबसे पहले कॉज हमारे पास आता है जेनेटिक कॉज, यानी कि ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे डिसऑर्डर्स जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होते हैं, और ये जीन्स के अंदर कोड्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है. इसमें डिफरेंट कंडीशंस हमारे पास आती हैं डिफॉर्म्ड स्केलेटन की. उसमें फर्स्ट हमारे पास है क्लेफ्ट पैलेट. क्लेफ्ट पैलेट वो कंडीशन है जिसमें हमारे फेशियल बोन्स में से जो दो बोन्स हैं मैक्सिला और पैलेटीन, इन दोनों का काम होता है, इन दोनों ने हमारे ओरल और नेज़ल जो कैविटीज़ हैं उन दोनों को सेपरेट करना होता है. जब ये दोनों फ्यूज़ होती हैं, इन दोनों की फ्यूजन से हमारी ओरल एंड नेज़ल जो कैविटी है, नेज़ल कैविटीज़ एक दूसरे के से दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं. ये उनकी सेपरेशन है. अगर इन एनी केस ये दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ ना हो पाएँ तो हमारी ओरल और नेज़ल कैविटी के दरमियान में गैप आ जाता है या ओपनिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो एयर पैसेज है उसके अंदर हमारा ओरल कुछ भी इनटेक जो हम करें वो हमारे एयर पैसेज के अंदर जा सकता है और एयर पैसेज से भी लंग्स तक पहुंच सकता है, और इससे प्रॉब्लम कॉज हो जाती है एस्पिरेशन निमोनिया, जो कि एक्चुअली हमारे लंग्स का डिसऑर्डर है. तो इस तरह से क्लेफ्ट पैलेट वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारी ओरल नेज़ल कैविटी के दरमियान में गैप आ जाता है. सेकेंड हमारे पास एक एग्जाम्पल है जेनेटिक डिसऑर्डर की, वो है माइक्रोसेफली. नाम से पता चल रहा है माइक्रो मीन्स स्मॉल और सेफली मीन्स ब्रेन.
स्कल या हेड रीजन को सेफली कहते हैं, तो सेकंड डिसऑर्डर में हमारे पास जेनेटिकली कुछ जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके अंदर ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से कि उनका हेड जो है, स्कल का जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है. देन वी हैव सम डिजीज़ इन द कैटेगरी ऑफ आर्थराइटिस. हमारे पास एक कैटेगरी है बोन डिजीज़ की जिसको आर्थराइटिस कहा जाता है, और इस आर्थराइटिस के अंदर डिफरेंट डीजनरेटिव और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आ जाती हैं, यानी कि ऐसी डिजीज़ जिसमें हमारी बोन्स या तो ब्रेक हो जाती हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स या तो डिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, या उनके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेज की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है. इस आर्थराइटिस के ग्रुप में से जो एक डिजीज़ है ऑस्टियो आर्थराइटिस का, जिसको नाम दे रहे हैं हम, ये एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, यानी कि इस केस में हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं या वो टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स आपस में फ्रिक्शन खाना शुरू कर देते हैं. और ये हमारे पास कहाँ से कॉज होती है ये डिजीज़, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से. सो हमारे पास जेनेटिक कॉजेज में तीन एग्जाम्पल्स हमारे पास आ गई. सेकेंड कैटेगरी हमारे पास है हॉर्मोनल कॉजेज की, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस जो है वो अगर हमारे बोन्स को अफेक्ट करना शुरू करे तो उससे हमारा स्केलेटन डिफॉर्म हो सकता है. इसके अंदर एक कैटेगरी है जो डिजीज़ की है, बोन्स डिजीज़ की, उसको नाम दिया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस. ये वो ग्रुप है डिजीज़ का जिसके अंदर एज द नेम इज़ इंडिकेटिंग, पोरोसिस मतलब कि बोन्स जो है वो पोरस होना शुरू हो जाती है, या उनका जो हार्ड कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है वो उसको लूज़ कर देते हैं. और इसमें होता क्या है, एक्चुअली इन डिजीज़ में हमारी बोन्स जो हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं या रिजॉर्ब्ड होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से उनका मास जो है वो रिड्यूस हो जाता है. सो अगर ये बोन है तो ये साइडों से डिसॉल्व होना शुरू हो जाए तो जो उसका इंटरनल मैट्रिक्स है वो सेम रहेगा, लेकिन बोन का मास जो है वो कम हो जाएगा. इसके पीछे कॉजेज हमारे पास जो आ जाते हैं वो हैं रिड्यूस्ड या डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल. अगर कॉजेस की बात हम करें, यहाँ पे हम कॉजेस की हेडिंग दे देते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस के कॉजेस जो हैं वो आपको यहाँ से बताए गए हैं. उसके पीछे है डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल, यानी कि एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है उसकी कमी की वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है, और ज़्यादातर ये एज्ड वुमेन में होती है. इसके अलावा इनसफिशेंट एक्सरसाइज और डाइट और स्मोकिंग जैसे जो एक्शंस हैं उनकी वजह से भी हमारी हार्मोनल डिफॉर्मिटीज़ नज़र आ सकती हैं. इसका क्योर जो है हमारे पास वो आता है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके अंदर एस्ट्रोजन को आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे जो ये एस्ट्रोजन की कमी की वजह से डिजीज़ कॉज हो रही थी उसको रोका जा सकता है. नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है न्यूट्रिशनल कॉजेज, यानी कि हमारी डाइट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कमी या ज़्यादती की वजह से हमारी बोन्स के अंदर कोई डिसऑर्डर आ सकता है. उसमें फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ऑस्टियोमलेशिया, ये जिसको कॉमनली हम सॉफ्ट बोन्स कहते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये इस केस में मिनरल्स की डिफरेंट मिनरल्स की डिफिशेंसी की वजह से हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं. और हमें पता है कि हमारी बोन्स को हार्डन करने के लिए किस चीज़ की एक्यूमुलेशन होती है हमारी बोन्स के अंदर, कैल्शियम सॉल्ट्स की. तो अगर इनकी कमी होगी तो हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी या वीक हो जाएंगी, और वीक होने की वजह से ऐसी बोन्स जिनसे हम ज़्यादा काम लेते हैं या जो ज़्यादा काम करती हैं उनकी जो शेप्स हैं वो चेंज हो सकती हैं या ख़राब हो सकती हैं. Right here you are given an example of nutritional deficiency disease which is rickets. It's found in children. और ये होती है vitamin D और calcium की deficiency की वजह से. ऐसे बच्चों में जो उनकी legs होती हैं वो हमें bent नज़र आती हैं, और इस तरह से उनका skeleton जो है वो vitamin D की deficiency की वजह से deformed form में हमें नज़र आता है. Moving on, हमें एक condition बताई गई है disc slip की. पहले हम देख लेते हैं कि disc क्या चीज़ है. हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो ईच कंजेक्टिव बोन है, यानी दो बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, लेकिन इनके दरमियान में जो एरिया होता है उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस होती है, जिसकी वजह से इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. ये जो स्पेस इन दोनों के दरमियान में है, यहाँ पर एक स्पंजी मटेरियल फिल्ड होता है जिसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियस पल्पोसस का, और इस स्पंजी मटेरियल के सराउंडिंग में एक कार्टिलेजिनस रिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जो इन दोनों बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रही होती है. इस रिंग को नाम दिया जाता है एनुलस फाइब्रोसिस का. इस डिस्क का काम क्या होता है, इसने इन दोनों बोन्स के दरमियान में कुशन का काम करना होता है, यानी कि जब कभी भी हमें इन बोन्स को मूव करना होता है या हमें अब्रप्ट मूवमेंट हमारी बॉडी दिखाती है तो ये जो बीच में डिस्क है ये उस मूवमेंट में से उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है और फ्लेक्सिबली
बोन्स को मूवमेंट अलाउ करती है. बट इन इफ़ इन सम केस ये जो डिस्क है ये अगर रिमूव हो जाए या यहाँ से हट जाए किसी एक्सीडेंट के केस में, तो जो कंडीशन हमें नज़र आती है इट इज़ कॉल्ड हर्निएशन. हर्निएशन के केस में ये जो डिस्क है हमारे वर्टिब्रे के दरमियान में प्रेजेंट वो रिमूव हो जाती है. और जो हर्निएटेड डिस्क होती है जिसको कॉमनली स्लिप डिस्क का नाम भी दिया जाता है, इसके अंदर जो हमने कहा सेंट्रल स्पंजी जो मटेरियल है वो रप्चर हो जाता है या वो टूट जाता है. आउटर रिंग टूट जाएगा और अंदर से स्पंजी मटेरियल जो है वो बाहर निकल आएगा डिस्क के टूटने की वजह से. बाहर आकर वो हमारी बोन्स के एरिया में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे एक्यूमुलेशन के साथ साथ वहाँ पे प्रेजेंट जितनी भी नर्व्स होंगी उनको इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है ये हमें पता है. तो वहाँ पे जितनी स्पाइनल नर्व्स होंगी वो इस स्पंजी मटेरियल की वजह से इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी और इस तरह से हमें एक्यूट पेन फील हो सकती है इस रीजन में और हमारी नर्व्स का जो फंक्शन है वो कम्प्लीटली भी ख़त्म हो सकता है. और इसके लिए जो डायग्नोस किया जाता है इस प्रॉब्लम को, तो उसके लिए कम्प्लीट बेड रेस्ट का कहा जाता है या फिर समटाइम्स उसको सर्जिकली भी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है. इसके बाद एक कंडीशन हमें नज़र आ रही है, इट्स कॉल्ड स्पॉन्डिलोसिस. इस डिज़ीज़ में हमारे जो वर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और फिर जब वो जुड़ जाएंगे तो ऑब्वियसली उनके अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं नज़र आएगी और मूवमेंट नहीं हो पाएगी. मूविंग ऑन, वी हैव अ कंडीशन कॉल्ड शियाटिका. शियाटिका जो है ये एक डिज़ीज़ है विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू डिस्ट्रप्शन इन द फंक्शन ऑफ शियाटिक नर्व. शियाटिक नर्व्स वो नर्व्स हैं जो हमारे पेल्विक रीजन से स्टार्ट होती हैं और हमारी जो हिप्स के पास से ट्रैवल करती हुई हमारी दोनों लेग्स में एक्सटेंड हो रही होती हैं लाइक दिस. ये जो शियाटिक नर्व्स हैं इनकी इनका अगर इनको किसी वजह से किसी इंजरी की वजह से ये दब जाएं या इन ये डिसरप्ट हो जाएं या इनका जो पाथ है वो ख़राब हो जाए तो इसकी वजह से जो हमारी लेग्स हैं उनके अंदर हमें एक्यूट पेन फील हो सकती है या उस उन लेग्स के अंदर समटाइम्स जो मोबिलिटी होती है वो ख़त्म हो सकती है या रिड्यूस हो सकती है एंड इन सम केसेस वो कम्प्लीटली भी ख़त्म हो सकती है. और इसके लिए उन नर्व्स को हील करने के लिए काफ़ी सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है जिसके बाद ये नर्व्स अपनी प्रॉपर पोजीशन में वापस आती हैं एंड इन सम केसेस ये जो नर्व्स हैं ये कम्प्लीटली रिकवर भी नहीं हो पाती. लास्ट में हमें कंडीशन बताई जा रही है आर्थराइटिस, जिसके बारे में हमने अभी पहले जिक्र कर लिया. इट्स अ डीजेनरेटिव और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ आर जॉइंट्स. इसमें हमारे जो जॉइंट्स हैं आपस में उनके दरमियान में फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, उनके दरमियान में जो एक लुब्रिकेंट या कुशंस जो प्रेजेंट थे वो जो फ्लूइड्स थे वो या तो ख़त्म हो जाता है या वो किसी तरह से रप्चर हो जाता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है. इस तरह से बोन्स के दरमियान में फ्रिक्शन आ जाती है और हमें काफ़ी सीवियर पेन या स्वेलिंग और स्टिफनेस हमें अपने जॉइंट्स में नज़र आती है. जो एक्यूट फॉर्म है आर्थराइटिस की उसके पीछे रीज़न जो है वो बैक्टीरियल इन्वेजन भी हो सकती है, यानी कि जो पेनफुल फॉर्म होती है आर्थराइटिस की उसमें एक कॉज बैक्टीरियल इन्वेजन है. एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो क्रोनिक आर्थराइटिस है यानी कि जो लॉन्ग पीरियड्स के लिए आर्थराइटिस की कंडीशंस हमें नज़र आती हैं उसमें डिफरेंट हमें फॉर्म्स नज़र आ जाती हैं. उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमेटोइड और गाउटी आर्थराइटिस उसकी तीनों टाइप्स हैं. एट द एंड लेट्स टॉक अबाउट रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स, यानी कि हमारी बोन्स जो हैं वो समटाइम्स किसी भी रीज़न की वजह से खुदा न खास्ता अगर ब्रेक हो जाएं तो आप नोटिस करते हैं कि उनको कुछ टाइम के लिए अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए और प्रॉपरली हील होने का टाइम दिया जाए तो वो एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ जाती हैं, वो कम्प्लीटली जॉइन होकर बिल्कुल वही फॉर्म इख्तियार कर लेती हैं जो कि एक नॉर्मल बोन की होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि बोन्स के पास ये कैरेक्टर है, ये एबिलिटी है कि वो अपने सेल्स को रिपेयर करके उनको उनकी ब्रोकन फॉर्म में से उनको जॉइंट फॉर्म में वापस लेके जा सकती है. बोन्स के टूटने के पीछे काफ़ी सारी रीजंस हो सकती हैं, वो कोई इंजरी हो सकती है, वो कोई एक्सीडेंट हो सकता है और इसकी जो रिपेयरिंग है वो हमें ज़्यादा एक्टिवली नज़र आती है यंगस्टर्स में या अडल्ट्स में और स्लो हमें नज़र आती है ओल्ड पीपल में, क्योंकि ओल्ड लोगों की बोन्स जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं या उतनी हार्ड और प्रॉपर कंपोनेंट्स के साथ नहीं होती, इस वजह से उनके अंदर रिपेयरिंग थोड़ी मुश्किल होती है.
अगर हम रिपेयरिंग की बात करें या फ्रैक्चर की रिपेयरिंग की बात करें तो हमें दो तरह की रिपेयरिंग या दो तरह के ट्रीटमेंट्स नज़र आते हैं, दो तरह की रिडक्शंस नज़र आते हैं। ये रिडक्शन हम कहते हैं बोन्स के ट्रीटमेंट को, एक क्लोज्ड और दूसरी ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन के केस में नॉर्मली जो हमें नज़र आता है कि कोई बोन अगर टूट जाए तो खुदा ना खास्ता तो उसको जो फिजिशियन है वो अपने हाथों से ही पकड़ के दोनों बोन्स को आपस में जोड़ देते हैं और फिर वहाँ पे उसके ऊपर उसको कवर कर दिया जाता है उस एरिया को और बोन अपने आप हील हो जाती है। इसको हम कहते हैं ये क्लोज रिडक्शन है। ऑन दी अदर हैंड जो ओपन रिडक्शन है उस केस में सर्जरी की जाती है, यानी कि उस एरिया को ओपन किया जाता है सर्जरी के थ्रू और फिर सर्जरी के बाद ओपन करने के बाद बोन्स को आपस में किसी भी तरीके पिंस या वायर्स के साथ मैन्युअली जोड़ा जाता है उन बोन्स को और फिर उसके बाद उसको उस एरिया के ऊपर कास्ट या ट्रैक्शन लगा के, यानी कि उसके ऊपर पट्टी लगा के उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर वो बोन अपने आप हील हो जाती है। और जो हीलिंग टाइम होता है ये 8 to 12 weeks का होता है, लेकिन ये 8 to 12 weeks जो है ये नॉर्मली है, जबकि एल्डर जो पीपल हैं उनके लिए ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा टाइम ले सकता है। अब अगर हम बोन के रिपेयरिंग के प्रोसेस को देख लें कि ये जो हमने कहा कि बोन अपने आप रिपेयर हो जाती है वो पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो उसको हम 4 stages में या 4 phases में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारे पास है हीमाटोमा फॉर्मेशन, हीमाटोमा हम ब्लड क्लॉट को कहते हैं। सेकंड हमारे पास है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, कैलस हम क्लस्टर ऑफ सेल्स या एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स को कहते हैं। फोर्थ हमारे पास है बोनी कैलस फॉर्मेशन, यानी कि उस कैलस का हार्ड होना। और फोर्थ हमारे पास स्टेज आ जाती है रीमोल्डिंग की, यानी कि प्रॉपर शेप इख्तियार करना बोन्स का। द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग इन बोन्स कैन बी एलैबोरेटेड इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं कि बोन्स रिपेयर किस तरह से होती हैं। फर्स्ट स्टेज में हमें नज़र आ रहा है कि दो बोन्स जो है वो बोन जो है वो एक टूट चुकी है सेंटर से। बोन के टूटने की वजह से व्हाट हैपेंस इज़ कि जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क यहाँ पे फ्लो कर रहा होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। जब वो कैपिलरीज ब्रेक होती हैं तो हमें पता है क्या होगा, यहाँ पर ब्लीडिंग होगी। इन कैपिलरीज के ब्रेक होने की वजह से इस रीजन में ब्लीडिंग होगी और ब्लड जब यहाँ पर इकट्ठा शुरू होगा तो वो क्लॉट्स बनाना शुरू कर देगा, जमना शुरू हो जाएगा। उन क्लॉट्स की वजह से हमें जो ब्रोकन जॉइंट होता है या ब्रोकन बोन होती है उस रीजन में स्वेलिंग भी नज़र आती है, रेडनेस भी नज़र आती है और एक्यूट पेन भी फील होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो हार्डन होना शुरू हो जाता है, क्लॉट्स बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद जब ये क्लॉट बन गया है तो अब न्यू सेल्स के बनाने की का टाइम आएगा। इस अब क्या होगा, यहाँ पर मूव करेंगे बोन्स के ऑस्टियोसाइट्स। हमने पढ़ा है कि बोन्स के दो तरह के सेल्स होते हैं, जिसमें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट से, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ये जो दोनों टाइप के सेल्स हैं इनमें से ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो बोन फॉर्मिंग और ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं। ये सारे सेल्स यहाँ पर एक्यूमुलेट होकर न्यू सेल्स बनाना शुरू करेंगे। इस रीजन में जब नए सेल्स बनना शुरू होंगे, सेल्स की एक्यूमुलेशन जब होती है, सेल्स की एक्यूमुलेशन को हम नाम देते हैं कैलस की। तो यहाँ पर अब क्या बन गया, कैलस, लेकिन वो कैलस अभी सॉफ्ट फॉर्म में होगा। ऑन दी अदर हैंड एक और काम होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं जो टूट गई थी, अब उनके अंदर से न्यू ब्रांचेस निकलना शुरू होंगी या न्यू ब्लड वेसल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगी इस कैलस रीजन में। नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास बोनी कैलस फॉर्मेशन है। इस केस में क्या होता है, जो हमारे कैलस के जो सेल्स थे यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए थे वो कॉम्पैक्ट फॉर्म इख्तियार करना शुरू कर देंगे, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का जो फंक्शन है उसकी वजह से सारे सेल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल ज्वाइन होकर इस जगह पर कॉम्पैक्ट किस्म का कैलस बना देंगे, जिसको हम बोनी कैलस का नाम देंगे, यानी कि वो हार्ड फॉर्म इख्तियार कर लेगा और उसके अंदर उसी तरह से ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क जो है वो एक्सटेंड आउट हो जाएगा। एंड एट द एंड जो यहाँ पे एक्सेस मटेरियल एक्यूमुलेट हुआ था कैलस का, या जो एक्सेस पार्ट साइडों पे इकट्ठा हुआ था स्वेलिंग वगैरह की वजह से, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई थी, वो सारा जो पार्ट है वो ऑस्टियोक्लास्ट उसको डिसॉल्व कर देंगे और बोन जो है वो अपनी पुरानी शेप में रिमोल्ड हो जाएगा, यानी कि बोन को अपनी पुरानी शेप में रिटेन कर दिया जाएगा। और ये सारा काम करने में हेल्प किसने की है, बोन सेल्स ने, जिसमें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट फाइबर्स भी होंगे, ऑस्टियोब्लास्ट के साथ फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं। ये वो सेल्स होते हैं जो यहाँ पर आके डिफरेंट फाइबर्स के नेटवर्क्स बनाते हैं, जिन्होंने इन बोन सेल्स को आपस में ज्वाइन करना होता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स।
द टॉपिक्स दैट वी लर्न टूडे हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्रेजेंट इन दैम विच आई हैव लिस्टेड हेयर एट द एंड सो आई सजेस्ट दैट यू मेक स्मॉल नोट्स ऑफ दीज क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ एंड प्रिपेयर दैम वेरी वेल. I will see you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.